280। तो ये क्यूरी रन टाइम पे चलेगी इस व्यू पे, अगर आप जब इस व्यू के ऊपर डाटा सेट करेंगे तो फिर ये पर्टिकुलर डाटा लेके आएगा। इस व्यू को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, MVU 80 को डिस्क्राइब करता हूं, तो ये आपको एक टेबल की तरह नजर आएगा। जैसे एक टेबल को डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसी तरीके से एक व्यू को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। अच्छा,
ठीक है जी। अब इस व्यू में डाटा इंसर्ट करता हूँ मैं, इसमें कोई इशू लग रहा है आपको? इस व्यू के थ्रू ये जो डाटा इंसर्ट किया मैंने, इसमें कोई इशू लग रहा है? डाटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, तो मसला तो नहीं है ना? हाँ देखें, अब ये जो डाटा इंसर्ट तो हमने कर दिया इस व्यू के थ्रू, लेकिन ये डाटा इस व्यू के थ्रू विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 60 एंटर किया है, जबकि इस व्यू की डेफिनेशन में आएगा वो डिपार्टमेंट आईडी 50 का डाटा आपको दिखाएगा। आप इस व्यू में डाटा क्यूरी करेंगे ये आपको नजर नहीं आएगा, हालांकि ये टेबल में डाटा चला गया। आप चाहते हैं कि डाटा इस व्यू के डोमेन में रहते हुए एंटर किया जा सके, यानी कि जो आपने चेक्स लगाए हैं सिर्फ उन्हीं चेक्स के हिसाब से डाटा एंटर किया जा सके, तो विद चेक ऑप्शन करना है उसको। इसको मैं कमिट करता हूँ, एक और व्यू क्रिएट कर, हाँ व्यू अल्टर हो सकता है, क्रिएट और रिप्लेस। एंड पे लिख दें विद चेक, और ये विद चेक ऑप्शन से एक कॉन्स्टेंट एक्चुअली इस पे ऐड कर देगा, उस कॉन्स्टेंट को आप नाम भी दे सकते हैं, विद चेक ऑप्शन आगे कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का नाम दे देंगे। अब इस व्यू के थ्रू डाटा इंसर्ट करते हैं, व्यू विद चेक ऑप्शन वेयर क्लॉज वायलेटेड। हाँ जितनी भी वेयर क्लास में चेक्स होंगे ना, आपने एक डिपार्टमेंट आईडी पे भी चेक लगा दिया, एम्प्लॉय हायर डेट पे भी चेक लगा दिया, सैलरी पे चेक लगा दिया, वो सारे चेक्स जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे डाटा एंटर नहीं करने देगा या मॉडिफाई नहीं करने देगा, ठीक है? तो व्यू के डोमेन में रहते हुए डाटा यूजर एंटर कर सके, आप भी चेक ऑप्शन के व्यू क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रही है जी? व्यू में जो कॉलम्स के नाम आप सिलेक्ट किए में जो कॉलम्स के नाम होंगे वही व्यूज के अंदर कॉलम के नाम होंगे। अगर आप एलियस दे दें कॉलम्स को, जैसे एम्प्लॉय आईडी को आईडी नंबर का एलियस दे रहे हैं, लास्ट नेम को नेम का एलियस दे रहा है, सैलरी इनटू 12 को एनुअल सैलरी का एलियस दे रहा है, तो इस पर्टिकुलर व्यू के अंदर कॉलम्स के नाम ही होंगे और ये डाटा लेके आएंगे। सर लेवल जी में ये व्यू की डेफिनेशन क्या क्वेरी की जा सकती है? हाँ वो तो वो किसी में भी की जा सकती है, वो 99 में भी की जा सकती है, वो 8i में भी की जा सकती है, कि व्यू कहाँ, व्यू में एक्चुअली क्यूरी का सेव हुई है। हाँ वो इसमें भी है, 10G में भी ऐसे है, 99 में भी ऐसे है, लेकिन वो की जा सकती है। हाँ आप देख सकते हैं कि इस व्यू में एक्चुअली व्यू का नाम ये है, उसमें क्या क्यूरी क्या सेव हुई है वो अभी आगे चल के देखते हैं। डेटा डिक्शनरी अभी हमने नहीं पढ़ा ना, वो डेटा डिक्शनरी से रिलेटेड है। हाँ तो व्यू के ऊपर आप वैसे ही नॉर्मल ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे एक टेबल के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? व्यू को मॉडिफाई करना हो तो क्रिएट रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम दे दें, तो क्रिएट और रिप्लेस से क्या होगा, व्यू अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो ओवरराइट हो जाएगा, नया उसकी जगह नया व्यू बन जाएगा, ठीक है? क्रिएट से भी सर रिप्लेस हो जाएगा? नहीं, सिंपली क्रिएट करेंगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ तो एरर दे देगा। रूल्स क्या है जी? डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूजली परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन ऑन सिंपल व्यूज, यू कैन नॉट रिमूव अ रो इफ द व्यू कंटेन्स द फॉलोइंग। डिलीट नहीं चला सकते अगर एक व्यू में ग्रुप फंक्शंस हैं, जैसे मिन है, मैक्स है, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, कोई भी फंक्शन यूज किया, तो उस व्यू से आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। ग्रुप बाय क्लॉज है, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है या रो नम का कीवर्ड है, अगर ये कुछ यूज किए हुए तो आप उस व्यू में से डाटा डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरीके से यू कैन नॉट मॉडिफाई डाटा, अपडेट नहीं कर सकते ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप बाय क्लॉज, डिस्टिंक्ट, रो नम और कोई एक्सप्रेशन अगर आपने यूज करी, एक्सप्रेशन का मतलब है सैलरी इनटू 12 कर लिया आपने, ठीक है? या कोई भी एक्सप्रेशन परफॉर्म कर लिया। नहीं नहीं, रो नम सेलेक्ट में भी यूज हो सकता है ना, सेलेक्ट रो नम, रो नम का मतलब हर रो को एक नंबर देता है ना, तो वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखें वो डिस्टिंक्ट जो है ना वो डुप्लीकेट रिमूव करके आपको दिखाता है ना, तो वो एक्चुअल डाटा नहीं आपको दिखा रहा होता, ऐसा व्यू, ऐसे क्लॉजेज जिसके थ्रू एक्चुअल डाटा आपको ना नजर आ रहा हो बल्कि वो एग्रीगेट करके या दिखा दे या कोई एक्स्ट्रा कलर डाटा दिखा दे, वो उस व्यू वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि वो एक्चुअल डाटा नहीं होता तो वो डिलीट नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यू कैन नॉट एड डाटा थ्रू अ व्यू
वो सारे रूल्स जो कि इंसर्ट और डिलीट के लिए हैं, अपडेट और डिलीट के लिए हैं. इसके अलावा कॉलम्स डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन और नॉट नल कॉलम्स इन द पेज टेबल दैट आर नॉट सिलेक्टेड बाय द व्यूअर, उसके उस व्यू के थ्रू आप डाटा सेलेक्ट भी नहीं कर सकते. विद चेक ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विद चेक ऑप्शन के थ्रू आप व्यू के डोमेन में रहते हुए डाटा इंसर्ट या अपडेट कर सकते हैं, और विद रीड ओनली भी कर सकते हैं. उसके थ्रू आप एक व्यू के ऊपर डीएमएल ऑपरेशन को डिनाई कर सकते हैं. रिमूव करना हो व्यू तो ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम व्यू की डेफिनेशन रिमूव हो जाएगी डेटा बेस में से, ठीक है. और इसके थ्रू आपने जो डाटा एंटर किया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यू में कोई डाटा एंटर नहीं होता. व्यू एक्चुअली जिन टेबल्स के ऊपर बेस करके बनाया जाता है उनके ऊपर उनमें सारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है. व्यू हो गया जी कंप्लीट. सिक्वेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के अंदर जो कि आपको हर दफा एक यूनिक नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है. जो आप इसी डेफिनेशन में बताएंगे उस तरीके से आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके देगा, और इसका यूजली पर्पज ये होता है कि आप किसी यूनिक कॉलम के अंदर कोई डाटा पॉपुलेट करना जा रहे हैं तो सिक्वेंस के थ्रू करते हैं. जैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम की आइडेंटिटी, किसी कॉलम की प्रॉपर्टी अगर आप आइडेंटिटी सेट कर देना तो उस कॉलम में ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर जनरेट एंड इंसर्ट होना शुरू हो जाते हैं. उस कॉलम में डाटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है. यही केस ओरेकल के अंदर है. ओरेकल में आपको सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता है और वो फिर आप यूज करते हैं मैनुअली किसी टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए. यूजली प्राइमरी की कॉलम में डाटा पॉपुलेट करने के लिए आप सीक्वेंस यूज करते हैं, ठीक है. ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, ये किसी टेबल के साथ बाइंड नहीं हो जाता बाय डिफॉल्ट. आप इसको किसी भी टेबल में यूज कर लें, इसको इसके थ्रू डाटा सेलेक्ट करने के लिए यूज कर लें, आप इसके थ्रू डाटा मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में सीक्वेंस में गैप्स आ जाएंगे, ठीक है. सीक्वेंस क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए क्रिएट सीक्वेंस की प्रिविलेज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी एचआर यूजर के पास क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम कुछ भी नाम रख लें, और स्टार्ट विद किस से स्टार्ट करें. आप स्टार्ट विद नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वन से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट विद वन कर दें. देन है जी इंक्रीमेंट बाय वन कर दें, मैक्स वैल्यू तो नहीं सेट करेंगे तो अनलिमिटेड होगी, सेट करेंगे तो वो जो आप देंगे 100 कर देते हैं. नो साइकिल बाय डिफॉल्ट नो साइकिल होता है, और कैशियर 5. हाँ अब क्या होगा, अब ये सीक्वेंस क्रिएट होगा, ये इसकी डेफिनेशन है. ये वन से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टाइम इसको कॉल करेंगे तो एक इंक्रीमेंट करके आपको नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करके देगा, मैक्सिमम 100 पे जाएगा. नो साइकिल मींस के जब 100 वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो दोबारा से वन से स्टार्ट नहीं होगा. अगर इसको आप साइकिल कर दें तो दोबारा से स्टार्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा. कैशियर पहली दफा सीक्वेंस को कॉल करेंगे तो एक दफा में ही ये 5 नंबर जनरेट करेगा और मेमोरी में रख लेगा. जब वो 5 नंबर खत्म हो जाएंगे फिर नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करेंगे तो फिर 5 और नंबर जनरेट करके मेमोरी में रख लेगा. परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी सीक्वेंस से, ठीक है. अब इसको यूज कैसे करेंगे, अगर आपने इसे कोई नंबर जनरेट कराना है तो सिलेक्ट सीक्वेंस का नाम, जैसे सीक्वेंस का नाम मैंने लिखा जी माई एसईक्यू डॉट एक सूडो कॉलम है नेक्स्ट वैल का फ्रॉम ड्यूअल करें तो आपको ये जनरेट करके दिया. उसने दोबारा ऐसे शो करें ये 2 जनरेट करके दिया, दोबारा ऐसे शो करेंगे 3 जनरेट. हर दफा आप जब भी इसको कॉल करेंगे ये आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके देगा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है. अब एक टेबल क्रिएट करते हैं. इसका फायदा क्या होगा, यूनिक नंबर इंक्रीमेंटल जैसे ये एक टेबल है उसमें आईडी का कॉलम है, उसमें प्राइमरी की लगी हुई है इसको. अच्छा प्राइमरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो यूनिक होगी और नल नहीं होगी, ठीक है जी. अच्छा मैं ये कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि जो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो यूनिक है, नहीं आपको क्या पता आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो यूनिक है. हाँ मतलब मैं एक नंबर है, एक आईडी का कॉलम है, उसमें आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर हुई है और बहुत सारी आईडी उसमें एंटर होनी है, एक से लेकर मिलियंस तक आईडीज एंटर होनी है. मैं एक पर्टिकुलर नंबर एंटर करने जा रहा हूँ, मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे एरर नहीं आएगा. मैक्स हाँ मैं मैक्स आईडी देख लूंगा, मैक्स आईडी जो भी है, लेट्स से मैक्स आईडी है 1000, उसमें एक ऐड करके और फिर नेक्स्ट नंबर ऐड करूंगा. लेकिन उससे इशू क्या होगा, एक तो आपको कोड लिखना पड़ेगा कि वो पहले मैक्सिमम आईडी फाइंड करे,
और फिर उसमें ऐड करें और फिर नेक्स्ट नंबर जनरेट करके एंटर करें उसमें परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू क्या कि वो पूरे टेबल को पहले गो थ्रू करेगा, पूरे टेबल का सारा डाटा लेके आएगा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा और आपको रिटर्न करेगा। अगर टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पे ये काम खराब हो जाएगा, एक रो एंटर करने के लिए आपको हो सकता है 10 मिनट वेट करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे कॉलम्स जिसके ऊपर यूनिक वैल्यूज, आप डेफिनेटली प्राइमरी की कॉलम्स होते हैं वो, उसमें आप हर दफा आप चाहते हैं यूनिक वैल्यूज एंटर हों, तो आप एक सीक्वेंस क्रिएट करें और उसके थ्रू उस कॉलम में हमेशा वैल्यू पॉपुलेट करते रहें। फिर आपको आपको देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें वो यूनिक वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। अगर मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, एक मैक्स उठा के वैल्यू के पास है, हाँ बिल्कुल, अब जब उसने एंटर करने के हाँ, वो मैक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो वो वैल्यू एंटर करने जाएगा उसको एरर आ जाएगा, फिर तो इस तरह फिर वो बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपको। तो अब इसमें अगर आपने सीक्वेंस के थ्रू वैल्यू एंटर करनी है तो मैं करूंगा इंसर्ट इनटू T5 वैल्यूज, वैल्यू में आईडी में मैं सीक्वेंस के थ्रू वैल्यू पॉपुलेट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा जी mysq.nextval और नेम में कोई भी दे देता हूं, हमने वो जब आप इस तरीके से करते हैं कि हमने कैशियर 5 किया हुआ है, ठीक है, कैशियर 5 किया हुआ है, तो वो उसने अब जो लास्ट अवेलेबल वैल्यू होगी ना वो एंटर, नहीं हमने अभी तक 3 तक किया हुआ है, ठीक है, हमने जब वैल्यू पहली दफा जनरेट कराई, दूसरी उसने फोर्थ वैल्यू स्किप कर दिया, ये इसमें इशू है, मतलब कि ये हमेशा ही रहेगा इस तरीके से कि वो बग है, तो वो आप जो है ना जब ये इसके थ्रू वैल्यू एंटर करेंगे, आपने वैल्यूज कुछ पहले से जनरेट कराई हुई है और आपने कैशियर किया हुआ, नो कैशियर के केस में ये इशू नहीं है, कैशियर किया हुआ है तो आपकी जो एक पहला जो बैच है उसके बाद नेक्स्ट बैच की पहली वैल्यू एंटर करेगा, वो उसको ऑल टुगेदर स्किप कर देगा क्योंकि वो आपने सिर्फ सेलेक्ट के लिए यूज करनी हुई थी, अब आप इंसर्ट के लिए यूज करें तो नए बैच में से आगे से चल शुरू करेगा जी, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एक और वैल्यू मैं इसमें एंटर करता हूं, ठीक है, 5 और 6 उसने एंटर कर दिया, तो सीक्वेंस के थ्रू आपने कोई वैल्यू एक दफा डिस्प्ले भी करा ली ना तो वो वैल्यूज आया होगी, आप इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं कि आपने पहले 4-5 वैल्यूज सेलेक्ट सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वैल फ्रॉम ड्यूल करके डिस्प्ले करा ली, आप इंसर्ट करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा इंसर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस के थ्रू आपने वैल्यू एक दफा जनरेट करा ली, वो चाहे आपने व्यू कर ली या किसी जगह इंसर्ट करा ली, वो वैल्यू उसने जनरेट कर दी, वो अपनी स्पेसिफिकेशन में सेव कर लेगा कि उसने ये लास्ट वैल्यू जनरेट कराई, उसके बाद उसने हाँ सीक्वेंस अपडेट कैसे ये मेमोरी में रखता है, और अगर आपका सर्वर डेटाबेस सर्वर या डेटाबेस आपके रीस्टार्ट हो जाए तो कैशे से मेमोरी वो वैल्यूज खत्म हो जाए, वो जाया हो जाए, हाँ वो जाया हो जाए, जाया हो जाए, हाँ ड्रॉप है, हाँ जी बिल्कुल। सीक्वेंस क्या जी, कैन ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक नंबर्स, इज अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट, मीन्स के एक ही सीक्वेंस आप मल्टीपल टेबल्स में या मल्टीपल डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्राइमरी की वैल्यू, रिप्लेसेस एप्लीकेशन कोड, स्पीड्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्सेसिंग सीक्वेंस वैल्यूज व्हेन कैशेड इन द, लेकिन एक सीक्वेंस मल्टीपल टेबल में नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, नहीं करना भी नहीं चाहिए, हर टेबल के लिए आप अलग सीक्वेंस क्रिएट करें, टेबल का नाम माय टेबल का नाम _SEQ के नाम से आप सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर आप हर टेबल पर ट्रिगर लगा के इस तरीके से आप इंसर्ट करते वक्त उसमें वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप ट्रिगर लगाएं, उस ट्रिगर में उस पर्टिकुलर कॉलम में डाटा इंसर्ट करने के लिए आप क्या करें, और ऑन इंसर्ट का ट्रिगर लगा के और उसमें वो सीक्वेंस के वैल्यू कॉल कर लें, यूजली ऐसे किया जाता है ताकि आपको इंसर्ट करते वक्त उस कॉलम में ऑल टुगेदर को वैल्यू देने ही ना पड़े, वो खुद ही इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, ये एक स्पेसिफिकेशन है इसकी। नेक्स्ट वैल रिटर्न्स द नेक्स्ट अवेलेबल सीक्वेंस वैल्यू, इट रिटर्न्स अ यूनिक वैल्यू एवरी टाइम, इट इज रेफरेंस्ड इवन फॉर डिफरेंट यूजर्स, करंट वैल ऑब्टेन्स द करंट सीक्वेंस वैल्यू, ठीक है, दो सुडो कॉलम्स हैं, इनको सुडो कॉलम्स कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वैल एंड करंट वैल। अच्छा, करंट वैल अगर आपने चलाना हो एक सेशन में तो उससे पहले एक दफा नेक्स्ट वैल एग्जीक्यूट होना जरूरी है, अगर आप सिंपली एक दफा सेशन आपने एस्टेब्लिश किया और आपने किया सेलेक्ट करंट माई सीक्वेंस डॉट करंट वैल फ्रॉम ड्यूल करेंगे तो आपको एरर दे देगा, अगर उसमें उस सेशन में एटलीस्ट आपने एक दफा नेक्स्ट वैल को कॉल नहीं किया, हाँ बिल्कुल।
ये कैशे होगा तो फिर कैशे के केस में आपको डाटा डिक्शन में से देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपको करंट वैल्यू है ना, ये करंट सेशन में से, करंट सेशन की मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ना कि वो सीक्वेंस की करंट वैल्यू। नहीं नहीं, ये करंट, ये हमेशा जो करंट वैल्यू जो है, लास्ट वैल्यू जो नेगेटिव वो आपको दिखाएगा। हर सेशन को अवेलेबल, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए। तो जैसे यहाँ पे देखें, डिपार्टमेंट्स के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट डेप्ट अंडरस्कोर डेप्ट आईडी अंडरस्कोर एससीक्यू डॉट नेक्स्ट वेल, और बाकी दो कॉलम से हमने तरफ से वैल्यूज दिए थे, ठीक है। कैशिंग सीक्वेंस वैल्यूज इन मेमोरी गिव्स फास्टर एक्सेस टू दोज वैल्यूज, गैप्स इन सीक्वेंस वैल्यूज कैन अकर व्हेन अ रोल बैक अकर्स। आपने डाटा इंसर्ट किया, रोल बैक कर दिया, अब वो नंबर तो जनरेट हो गया, वो रोल बैक बेशक आपने कर दिया, वो दोबारा जनरेट नहीं होगा। सिस्टम क्रैश हो गया, आपकी वैल्यूज कैशी की हुई थी। सीक्वेंस इज यूज्ड इन अनदर टेबल, दो टेबल में आपने सीक्वेंस एक ही यूज कर लिया, तो वो डिफरेंट नंबर जनरेट करके डिफरेंट टेबल के अंदर इंसर्ट हो गए। सीक्वेंस को मॉडिफाई करना, तो अल्टर सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम इंक्रीमेंट बाय मैक्सवेल, नो कैशिए से कैशिए, नो साइकिल से साइकिल, ये चेंज कर सकते। स्टार्ट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, स्टार्ट विद के अलावा बाकी सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं पूरे नहीं, अगर लेट्स से एक सीक्वेंस आपने पहले 100 से स्टार्ट किया था, अब आप चाहते हैं 20 से स्टार्ट करें, ये नहीं कर सकते। स्टार्ट विद चेंज नहीं हो सकता, बाकी हमने 1 से स्टार्ट किया, 10 तक जनरेट करा। हाँ जी, अब हम चाहते हैं कि उसको 5 से दोबारा आगे चले, वो नहीं होगा। नहीं, आपको ड्रॉप करके रिक्रिएट करना, लास्ट वैल्यू आ गई वो। सीक्वेंस का ड्रॉप करना, तो ड्रॉप सीक्वेंस, सीक्वेंस करना, सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगा, उन्हें जो नंबर जनरेट किए हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये हो गया जी सीक्वेंसेस। देन है जी इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रो। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रो, क्या फायदा? हाँ, तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। डाटा एक्सेस बहुत क्विकली हो जाता है इंडेक्सेस के थ्रू। लेट्स से अगर आपके पास एक टेबल है, उसमें 1 मिलियन रोल है, लेट्स से कॉल्स का एक टेबल है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसमें कॉल, हर कॉल की एक आईडी है, कॉल आईडी, उसमें डाटा आपके पास जो पड़ा हुआ है 1 मिलियन रोज है, और आपको जस्ट 1 रो चाहिए एक पर्टिकुलर कॉल आईडी के लिए, के अगेंस्ट, तो कोई इंडेक्स नहीं है किसी किस्म का, तो क्या होगा? अब ये 1 मिलियन की 1 मिलियन रोज रीड होंगी, मेमोरी के अंदर आएंगी, हर रो को सर्च किया जाएगा, और फिर आपकी एक रो फाइंड करके आपको दी जाएगी, ठीक है। पूरा टेबल स्कैन होगा, उसको कहते हैं FTA, फुल टेबल स्कैन, FTS, फुल टेबल स्कैन, दैट इज परफॉर्मेंस किलर। फुल टेबल स्कैन इज परफॉर्मेंस किलर। देखें, आपके जो टेबल्स हैं, जो आपका डाटा है, वो कहां पे स्टोर होता है? डाटा फाइल्स के अंदर, कुछ किसी फाइल के अंदर, जिसको हम डाटा फाइल कहते हैं, ठीक है ना। वो डाटा फाइल कहां पे रिजाइड करती है? हार्ड डिस्क के ऊपर, किसी ड्राइव के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर आपका डाटा जाके सेव होगा। अच्छा, डाटा हार्ड डिस्क से रीड करके मेमोरी में लाया जाता है, और वहां से फिर सीपीयू को दिया जाता है, ऐसा ही है। जब डाटा हार्ड डिस्क से रीड करके मेमोरी में लाया जाए और वहां से सीपीयू को दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड एन आयो। इसको एक आयो कहते हैं, या इसको बल्कि ये कहें कि इसको फिजिकल आयो कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल आयो। फिजिकल आयो का मतलब यह है कि हार्ड डिस्क से डाटा कुछ रीड किया, मेमोरी में प्लेस किया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा स्लो मीडिया है, सीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट है, और मेमोरी हार्ड डिस्क से कंपैरेटिवली काफी फास्ट है। तो मेमोरी का पर्पज क्या है? ये दरमियान में मेमोरी क्यों रखी गई है? मेमोरी इसलिए रखी गई है कि कोशिश ये की जाती है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डाटा वो मेमोरी में पड़ा रहे, ताकि बार बार हार्ड डिस्क पे ना जाना पड़े। वो सिर्फ ओरेकल के लिए नहीं है, ये इन एनी केस है, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है
कि एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो उसका मैक्सिमम कोड ओपन होके मेमोरी में आ जाता है और वहां से फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। बार बार हार्ड डिस्क में से जाएंगे तो परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश ये होती है कि बार बार हार्ड डिस्क से डाटा रीड ना किया जाए, आईओ से बचा जाए। अच्छा, अब इस केस में देखें, जैसे मैंने अब आपको बताया कि एक टेबल है उसमें 1 मिलियन रोज हैं। अब वो एक चंक में सारी मिलियन रोज मेमोरी में नहीं ले आएगा, वो क्या करेगा, एक चंक में जाएगा, हो सकता है 1000 रोज रीड करके मेमोरी में ले आए, हो सकता है 2000 रोज रीड करके मेमोरी, डिपेंड करता है चंक का क्या साइज है। अच्छा, वो कुछ रोज एक आयो में रीड करके मेमोरी में ले आएगा, उनको सर्च करेगा, फिर अगले कुछ चंक में लेके आएगा, हो सकता है वो इस पूरे टेबल को स्कैन करने के लिए हो सकता है उसको 200 आयोज करनी पड़े। कितनी आयोज? 200 आयोज। अच्छा, अब अगर 200 आयोज करेगा और आपकी एक रो फाइंड करके आपको देगा, अब अगर इंडेक्स लगा हो इस कॉल आईडी के कॉलम के ऊपर, इंडेक्स लगा होगा तो टेबल इसी तरीके से स्टोर होगा। वो साथ इंडेक्स भी स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स भी समझ लें एक टेबल बन जाएगा, एक छोटा टेबल बन जाएगा जिसमें जिस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाएंगे उस कॉलम की वैल्यूज होंगी। जैसे आपने कॉलम इंडेक्स लगाया कॉल आईडी के कॉलम के ऊपर, कॉल आईडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो कॉल आईडी के कॉलम पे इंडेक्स लगाया, इंडेक्स का भी कोई ना कोई नाम होता है जैसे टेबल का नाम होता है। जैसे आपने इसको इंडेक्स का नाम दे दिया आईडी एक्स अंडरस्कोर आईडी या कुछ भी नाम दे दिया, इसमें क्या होगा, ये जो कॉल आईडी है ये कॉपी हो जाएगी इसमें। ये सारी कॉल आईडीज, जितनी इसमें कॉल आईडी के कॉलम में जितनी वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी वैल्यूज कॉपी होकर इंडेक्स में आ जाएंगी, और साथ ही यहां पे रो, उनकी रो आईडी भी आ जाएगी। ये रो आईडी क्या होती है आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अब आपने क्यूरी लिखी इस टेबल पे वेयर कॉल आईडी इक्वल टू कोई भी आपने कॉल आईडी दी, ओरेकल इंटरनली खुद ही देखेगा कि कॉल आईडी के कॉलम पे इंडेक्स लगा हुआ है, उसको मिल जाएगा जी इंडेक्स लगा हुआ है। आपने किया था जी वेयर कॉल आईडी इक्वल्स टू 5, वो देखेगा 5 कॉल आईडी कहां पे है, वो इंडेक्स पे चला जाएगा, इंडेक्स को रीड करके मेमोरी में ले आएगा, एक या दो आयोज या तीन आयोज में मैक्सिमम इंडेक्स रीड होकर मेमोरी में आ जाएगा। अगर छोटा इंडेक्स है तो एक ही आयो में आ जाएगा, अगर बड़ा इंडेक्स है तो 3-4 आयोज लग जाएंगे। लेट्स से अज्यूम करते हैं 4 आयोज लगी, इंडेक्स मेमोरी में आ गया, अब वो उसमें हाँ एक एक्स्ट्रा देखते हैं अभी। पहले जो हमारे पास जो फुल टेबल स्कैन किया था तो उस वक्त 200 आयोज लगी थी, ठीक है ना, 200 आयोज मैंने अज्यूम किया था कि एक बहुत बड़ा टेबल है उसमें से डाटा आपने आपको एक रो चाहिए, तो ओरेकल लेट से एक आयो में कुछ रोज रीड करता है, तो अज्यूम करते हैं वो 200 आयोज में पूरा टेबल रीड करके मेमोरी में ले आता है और वहां से आपकी रिक्वायर्ड रो निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। अब इंडेक्स के थ्रू होगा तो क्या होगा, इंडेक्स पूरा, इंडेक्स में भी अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, वो पूरा इंडेक्स रीड करके या कुछ इंडेक्स का पोर्शन रीड करके मेमोरी में ले आएगा। लेट से 4 आयोज में इंडेक्स का कुछ पोर्शन मेमोरी में आ गया, वो देखेगा जी आपने किया जी वेयर कॉल आईडी इक्वल्स टू 5, इंडेक्स में देखेगा जी कॉल आईडी 5 कहां पे है, ये जी 5 के अगेंस्ट रो आईडी क्या है, वो रो आईडी बताएगी कि ये रो यहां पे पड़ी है फॉर एग्जांपल। ओरेकल क्या करेगा, डायरेक्टली उस टेबल में उस लोकेशन पे जाएगा, वो रीड करके मेमोरी में ले आएगा, 5वीं आयो में आपकी वो रो रीड होके इधर आ जाएगी। टोटल कितनी आयोज लगी, 5, पहले कितनी आयोज लगी थी 200, कौन सा टेबल स्कैन नहीं होता, फुल टेबल स्कैन नहीं होता, वो पर्टिकुलर रो रीड होके मेमोरी में आ जाती है, सारी रोज रीड करके उसको मेमोरी में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो प्रॉपर इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। अगर इंडेक्सेस नहीं लगाए हुए फुल टेबल स्कैन्स हो रहे हैं और बड़े टेबल्स में फुल टेबल स्कैन्स हो रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस किलर है आपकी डेटाबेस के लिए, आपकी डेटाबेस कभी भी ऑप्टिमल नहीं चल सकेगी। क्लियर है, ये कंफ्यूजन है सर, ये इंडेक्सेस किन कॉलम पे लगाए जाए, ये मतलब ये हाँ ऐसे कॉलम जो वेयर क्लॉज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जिन पे कंडीशन लगाते हैं, जो जॉइंट्स में यूज होते हैं उन पे इंडेक्सेस लगाए, जो ऑर्डर बाय में यूज होते हैं उन पे इंडेक्सेस लगाए, जिन पे किन पे वही एक्चुअली इंडेक्सेस के लिए कैंडिडेट्स तो वही होते हैं ना, जिन पे जिनके थ्रू आप सर्च कर रहे हो, प्राइमरी की जो भी है, लेट्स से आप सैलरी पे बहुत ज्यादा आपकी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सैलरी की बेस पे सर्च करती हैं तो उस पे इंडेक्स लगा दें, आपकी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि नाम की बेस पे सर्चिंग करते हैं उस पर इंडेक्स लगा दें। तो जहां पे वेयर क्लास में वो ऐसे कॉलम जो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उनको उन कॉलम्स को इंडेक्स कर दें, हर कॉलम को भी इंडेक्स नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। ड्रॉबैक्स ये है कि जब आप एक रो एक टेबल में इंसर्ट करेंगे तो इंडेक्स में भी उसको डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, रो रिमूव होगी तो इंडेक्स में से भी रिमूव होगी, रो अपडेट होगी तो इंडेक्स में भी अपडेट होगी, हाँ डीएमएल आपकी स्लो हो जाएगी, लेकिन बहुत स्लो नहीं होती। मैंने देखा कि एक टेबल में अगर लेट से 200 कॉलम है उसमें से 50-60 कॉलम भी इंडेक्स्ड हैं तो कोई इशू नहीं होता।
ठीक है, लेकिन बल्क लोडिंग बहुत स्लो हो जाएगी, लेकिन बल्क में डाटा लोड आता है आपके पास, मिलियंस ऑफ रोज आती है आपके पास, नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। ठीक है जी, समझ आ गई इंडेक्स की। अच्छा जी, इंडेक्स इज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट, जैसे एक टेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे एक व्यू ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से इंडेक्स भी ऑब्जेक्ट है। कैन बी यूज बाय ओरेकल सर्वर टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ रोज बाय यूजिंग अ पॉइंटर, कैन रिड्यूस डिस्क इनपुट आउटपुट बाय यूजिंग अ रैपिड पाथ एक्सेस मेथड टू लोकेट डाटा क्विकली, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेबल इट इज इंडेक्स। ठीक है, ये अलग से स्टोर होता है, टेबल अलग से स्टोर होता है। इज यूज एंड मेंटेन्ड ऑटोमेटिकली बाय द ओरेकल सर्वर, आपने जस्ट इंडेक्स क्रिएट करना होता है, कब क्यूरी चलेगी तो उसके बैकएंड पे इंडेक्स यूज करना है या नहीं करना वो ओरेकल खुद करेगा, डाटा इंसर्ट होगा तो इंडेक्स में भी खुद ही वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, डाटा डिलीट होगा तो इंडेक्स में से भी खुद डिलीट हो जाएगा, आपने जस्ट क्रिएट करना है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कॉलम पे क्रिएट करना चाहिए, कौन से कॉलम पे नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इंडेक्सेस दो केसेस तरीकों से क्रिएट किए जा सकते हैं, एक तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, जब भी किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे या यूनिक कॉन्स्टेंट लगाएंगे उन पे इंडेक्सेस खुद क्रिएट हो जाएंगे, उन पे यूनिक इंडेक्सेस क्रिएट होंगे, और मैन्युअली आप खुद से इंडेक्स क्रिएट करने कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, लेकिन जरूर करने पड़ते हैं आपको। फॉरेन की वाला कॉलम इंडेक्स नहीं होता, आपको करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन की वाला एक ऐसा कॉलम होता है जो कि ज्वाइन के वक्त यूज होता है, प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ आप ज्वाइन करते हैं तो फॉरेन की को तो पहली गो में आपको जरूर इंडेक्स कर लेना चाहिए। उसके अलावा फिर ऐसे कॉलम आइडेंटिफाई करें जो कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं वेयर क्लास में, उनको इंडेक्स कर दें, और ऐसे टेबल्स पे इंडेक्सेस लगाएं जो जिनका साइज बहुत बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है, जो छोटे टेबल्स हैं लुकअप टेबल्स में उन पे इंडेक्सेस ना लगाएं, उस पर लगाएं या ना लगाएं उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बल्क डाटा जिसमें डाटा ज्यादा है, मेन टेबल्स हैं आपके एप्लीकेशन के, वो कुछ ही टेबल्स होते हैं, 5, 6, 8, 10, ठीक है, मेन टेबल्स होते हैं, उन मेन टेबल्स के ऊपर इंडेक्सेस लगाना बहुत जरूरी है। इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूनिक बिटमैप के ऑप्शन है आपके पास, इंडेक्स इंडेक्स का नाम ऑन आगे टेबल का नाम प्रेंसिस में कॉलम का नाम कॉमा देके मल्टीपल कॉलम कंकैटिनेटेड इंडेक्स उसको कहते हैं या कंपोजिट इंडेक्स भी कहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो आपने एक नॉर्मल इंडेक्स क्रिएट करना तो क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स का कोई भी नाम दे दें ऑन टेबल का नाम प्रेंसिस में उसके कॉलम का नाम लेट्स इन लास्ट नेम का कॉलम है जो सर्च में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो आप उस पर इंडेक्स लगा देंगे। क्लियर, लेट्स दो कॉलम ऐसे हैं जो हमेशा फ्रीक्वेंटली हमेशा इकट्ठे ही वेयर क्लास में आते हैं तो फिर आप उस पर कंपोजिट इंस्टेंट के अलग अलग लगाएं कंपोजिट लगा लें उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, एक इंडेक्स को एक दफा गो थ्रू करेगा। ठीक है, देखें आप अगर नहीं नहीं देखें आप करते हैं वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस एंड लास्ट नेम इक्वल टू दिस, हमेशा वेयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपकी किसी भी कोई भी डिफरेंट तरह की क्यूरीज है उन्हें हमेशा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमेशा एक क्यूरी में आते हैं वेयर क्लास में आते हैं तो आप उन दोनों पे कंकैटिनेटेड इंडेक्स लगा। अच्छा, ये हम दो कॉलम पे इकट्ठा लगा रहे हैं और अगर दोनों पे अलग अलग इंडेक्स लगाएंगे उसमें कुछ फर्क क्या है? उसमें देखें फिर उसको दो इंडेक्सेस जाके क्यूरी करने पड़ेंगे, उससे भी ज्यादा फास्ट होगा। हाँ, वो इससे ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडेक्सेस जो ना वैसे यूनिक का मतलब है प्राइमरी की और यूनिक की के पर, यानी कि इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती तो आप फर्स्ट नेम या लास्ट नेम पे यूनिक इंडेक्स नहीं लगा सकते। ठीक है ना, यूनिक लगाएंगे तो डाटा एंटर करेंगे तो इंडेक्स में एंट्री नहीं करने देगा, एरर आ जाएगा, आपको रो ही नहीं एंटर करने देगा। आपकी जो प्राइमरी की और यूनिक की इनफोर्स होती है ना वो यूनिक इंडेक्स के थ्रू होती है, ओरेकल उन पे यूनिक इंडेक्स लगाता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बाकी कॉलम्स पे यूनिक इंडेक्स लगा सकते हैं क्रिएट यूनिक इंडेक्स के कमांड के थ्रू, लेकिन उसमें फिर ये याद रखें कि उसमें डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं हो सकेगा, बेशक आपने उस पर यूनिक कॉन्स्टेंट नहीं लगाया। ठीक है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो सिंपली क्रिएट इंडेक्स करें, वो नॉन यूनिक इंडेक्स क्रिएट करें। ऑटोमेटिकली नहीं लगा, वो लगाया भी नहीं, आपको लगाने नहीं देगा, ऑलरेडी वो इंडेक्स होगा। इंडेक्स गाइडलाइंस क्या है जी, अ कॉलम कंटेन्स अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, एक कॉलम है जिसमें एक ही वैल्यू है तो उस पर इंडेक्स लगाने का फायदा ही नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू है पूरे उस फील्ड में, तो अगर आपके एक कॉलम के अंदर डिफरेंट वैल्यूज है, हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से डिफरेंट है, सपोज एक कॉलम में टोटल दो वैल्यूज आनी है, हाँ, तो फिर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। हाँ, लेट से मेल फीमेल है, जेंडर का कॉलम है, उस पर इंडेक्स लगाने का कोई खास एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि वो एक ही तरफ मतलब दो ही वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यूज दो ही होंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ज्यादा हो एक कॉलम के अंदर तो वो कैंडिडेट है इंडेक्स करने के लिए, उसका फायदा होगा आपको, उस पर लगा सकते हैं मेल फीमेल या जेंडर वाले कॉलम के ऊपर, लेकिन कोई ज्यादा फर्क, ज्यादा आपको परफॉर्मेंस
गेन नहीं होगा, ठीक है। हाँ फर्क मसला करे। अच्छा नल वैल्यूज अगर एक कॉलम में ज्यादा आ रही हैं तो उस पर इंडेक्स लगा देना चाहिए फ्रीक्वेंटली। ये तो पहली कंडीशन है नी, वेयर क्लास में एक आपका जो कॉलम है वो यूज हो रहा है किसी ज्वाइन कंडीशन में या किसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो उसमें इंडेक्स वो तो कैंडिडेट है। द टेबल इज लार्ज एंड मोस्ट क्यूरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिट्रीव लेस देन 2-4% ऑफ द रोज इन द टेबल। जैसे आपकी जो क्यूरी है वो पूरा टेबल स्कैन करके नहीं लेके आना लेके आ रही बल्कि कुछ डाटा उसमें से रिटर्न करिए तो फिर इंडेक्स लगाए, अदरवाइज एक क्यूरी है जो जिसमें आपको सारा ही डाटा चाहिए तो फिर इंडेक्स के थ्रू फायदा नहीं होगा। ये लार्ज नंबर ऑफ नल्स का क्या होता है? देखें जब आप इंडेक्स लगाते हैं ना तो आपकी जो जितनी भी वो नॉन नल वैल्यूज होती है वो तो इंडेक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। नल के अगेंस्ट वो क्या करता है वो बाकी सारी वैल्यूज, वो इसका मतलब है बाकी सारे ब्लॉक्स को नल के अंदर कैटर कर लेते हैं। तो जब आप वो वेयर कॉलम का नाम इक्वल टू नल करते हैं या करते हैं तो वो सिर्फ वो वाले ब्लॉक्स पूरे एक बार रीड करके मेमोरी में आता फास्ट हो जाएगी। अच्छा डू नॉट क्रिएट इंडेक्स ऑन द कॉलम्स आर नॉट ऑफन यूज्ड एज अ कंडीशन द क्यूरी, वेयर क्लास में यूज नहीं होते तो फिर इंडेक्स ना लगाएं। टेबल छोटा है या उसमें से आपके जो डाटा आ रहा है वो काफी ज्यादा, एक टेबल में 50% से ज्यादा डाटा आपकी क्यूरी रिटर्न करिए तो फिर इंडेक्स का फायदा नहीं होगा। टेबल ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है तो फिर इंडेक्स की वजह से वो थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन जरूरी नहीं। हाँ ट्रेड ऑफ है ना तो वो इसलिए इंडेक्स लगा देना चाहिए। इंडेक्स कॉलम्स आर रेफरेंस एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। आपने किया जी इंडेक्स लगाया फर्स्ट नेम के कॉलम के ऊपर और क्यूरी करते हैं आप करते हैं वेयर अपर फर्स्ट नेम या वेयर लोअर फर्स्ट नेम कर देते हैं तो एक्सप्रेशन कोई परफॉर्म कर ली तो फिर इंडेक्स यूज नहीं होगा, इंडेक्स स्किप हो जाता है फिर ओरेकल फुल टेबल स्कैन की तरफ चला जाता है। इंडेक्स रिमूव करना तो ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम तो इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा, उससे टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है आपकी डेटाबेस की। देन जी सिनोनिम्स। हाँ जी हाँ जी अक्सर सर हम ये पढ़ते हैं इंडेक्स रीबिल्ड करना है रीबिल्ड, उसका क्या फायदा जरूरत की और फायदा? देखें एक टेबल है, जैसे हमारे पास एक टेबल है कॉल्स का। डेटाबेसिस दो तरह की होती हैं, एक होती है ओएलटीपी और एक होती है डेटा वेयरहाउस टाइप, ये डीएसएसबी इनको कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अच्छा ओएलटीपी डेटाबेसिस में ना आपका एक पर्टिकुलर हद तक डेटा उसमें होता है, उससे पुराना डेटा जो है ना वो आप मूव कर देते हैं डेटा वेयरहाउस में या डीएसएस सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। रीजन क्या होता है, ओएलटीपी डेटाबेसिस को आपने ऑफलोड करना होता है क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, उतना ज्यादा मैनेज करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो लेट से एक हमारे पास एक कॉल्स की डेटाबेस है, उसमें कॉल्स का एक टेबल है, उसमें 6 महीने का हम डेटा रखते हैं और उससे पिछला डेटा हम बैकअप लेके डेटा वेयरहाउस में लोड करने के बाद पर्च कर देते हैं। तो लेट से मेरे पास एक टेबल है जिसमें 1 साल का डेटा है और उसमें कोई 20 मिलियन रोज है। अब मैं क्या करता हूँ, 6 महीने का डेटा एक्सट्रैक्ट किया, मैंने सेव कर दिया किसी और जगह पे और 6 महीने का डेटा उसमें से डिलीट कर दिया तो कितना आधा डेटा डिलीट हो गया उसमें से। जब आधा डेटा एक टेबल में से डिलीट हो गया तो उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी टेबल में, टेबल का साइज उतना ही रहेगा जितना उसमें एक्चुअली साइज था। लेट से उसमें 1 साल का डेटा था और टेबल का साइज था जी 100 GB, ठीक है। आप 6 महीने का डाटा डिलीट भी कर देंगे तो उसका साइज 100 GB होगा क्योंकि स्पेस रिलीज नहीं होती डिलीट से। हमने लास्ट टाइम शायद पढ़ा भी था डिलीट और ट्रंकेट का, ट्रंकेट में स्पेस रिलीज हो जाती है, डिलीट में स्पेस रिलीज नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी, इंडेक्सेस में भी फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी, टेबल्स में भी फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी। तो ऐसे टेबल जिनमें बल्क डाटा डिलीट होता है दे आर कैंडिडेट फॉर रीऑर्गेनाइज, टेबल को रीऑर्गेनाइज करते हैं और इंडेक्सेस को रीबिल्ड करना पड़ता है, परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होती है अगर आपने बल्क डाटा डिलीट किया और टेबल्स को रीऑर्गेनाइज ना किया और इंडेक्सेस को रीबिल्ड ना किया। ये सर डिलीट के केस में, हाँ जी इंसर्ट वगैरह के केस में नॉर्मली इंडेक्सेस को रीबिल्ड करना पड़ता है जब वो इंडेक्सेस बैलेंस ना रहे, बहुत बड़ा इंडेक्स हो जाए बैलेंस ना रहे या बहुत बल्क डाटा डिलीट हुआ उसकी वजह से इशू आ गया तो हम कर लेते हैं वंस अ क्वार्टर इंडेक्सेस को रीबिल्ड कर लेते, ठीक है। वो आगे चलते हैं, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये उसमें आएगा, ये इंडेक्सेस आगे आएंगे तुम्हारा ये चैप्टर दोबारा आगे आएगा लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ओके, वैसे क्वेश्चंस बेशक कर लें उसमें आगे चल के ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चंस बेशक जो भी हैं आप यहाँ पे पूछ लें ताकि आगे चल के आपको ज्यादा चीजें क्लियर जब हम परफॉर्म कर रहे हैं। दैनिक जी कोई क्वेश्चन तो नहीं, इंडेक्स का स्टेटस पता लग सकता है, इसको रीबिल्ड की जरूरत है? हाँ बिल्कुल टूल्स है, ठीक है। अच्छा जी दैनिक जी और टेबल्स का भी पता चल सकता है कि कौन से टेबल्स हैं जो दोज आर कैंडिडेट फॉर रीऑर्गेनाइज, जब वो टेबल आइडेंटिफाई हो गई इसका मतलब है उस टेबल पे जितने भी इंडेक्सेस हैं वो कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा ओवरव्यू ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक टेबल का दूसरा नाम या टेबल का नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम, ठीक है। जैसे आप
पब्लिक सिनोनिम भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं. आप करते हैं क्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम का नाम फॉर और आगे ऑब्जेक्ट का नाम. फॉर एग्जांपल मैं करता हूं क्रिएट सिनोनिम हैम फॉर एम्प्लॉइज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, क्योंकि एक एम्प के नाम से टेबल एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए उसने एरर दे दिया. अब मैं करता हूं डिस्क्राइब एम्प या सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम एम्प, तो एक्चुअली एम्प्लॉयज का एक दूसरा नाम मैंने दे दिया. फायदा इसका क्या है? फायदा यह है कि मैं करता हूं कनेक्ट, एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, लेट्स से एक यूजर हमने क्रिएट किया, उसको एच आर के एम्प्लॉयज के टेबल के ऊपर सेलेक्ट करने के राइट्स दिए. अब जब वो डाटा सेलेक्ट करेगा तो उसको ओनर का नाम मीन या स्कीमा का नाम डॉट टेबल का नाम देना पड़ेगा. वो यूजली जो इन्वायरमेंट्स होती हैं उसमें टेबल्स के नाम लेंथी और कम्प्लेक्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं किसी दूसरे यूजर को अगर एक्सेस दें या उसी पर्टिकुलर यूजर के अंदर आप टेबल्स को शॉर्ट नेम दे सकते हैं. तो इसमें ये यूजर क्या कर सकते हैं, क्रिएट सिनोनिम लेट्स से एम फॉर एच आर डॉट इन. अब वो लेट्स से करेगा सिलेक्ट